हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इंस्ट्रक्शन जो ये वर्ड है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ कमांड्स हम प्रोसेसर को देते हैं कि उसको क्या काम करना है और उस काम को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी प्रोसेसर हो, चाहे x86 हो, चाहे AMD प्रोसेसर, इंटेल पेंटियम, व्हाटएवर द प्रोसेसर इट इज, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेगा, कुछ ना कुछ काम जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, हम कोई पर्टिकुलर प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो होती हैं, तो यहां पे उनकी तीन कैटेगरी है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा ट्रांसफर, नाम से ही पता लग रहा है कि डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स है, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है वो इस कैटेगरी में आती है। अब डेटा को ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटर में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था या हमने जो पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो कॉमन बस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कहां पे, बिटवीन द रजिस्टर्स। मतलब मेरे पास एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर है R2, लेट्स से R1 है डेटा रजिस्टर, R2 है क्यूमुलेटर। R1 हो सकता है आपका एड्रेस रजिस्टर, R2 हो सकता है आपका टेम्परेरी रजिस्टर, वट एवर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे बिटवीन द रजिस्टर या फिर रजिस्टर से मेमोरी या फिर मेमोरी से रजिस्टर, कोई भी अगर मुझे इस टाइप का ट्रांसफर करना है तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसमें जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोड मतलब एक्यूमुलेटर में अगर मुझे कोई डेटा को लोड करना है तो लोड है, स्टोर है, मूव है, एक्सचेंज है, पुश है, पॉप है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच कम्स अंडर द डेटा ट्रांसफर, जिनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। लेकिन बेसिकली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का फंडा क्या है कि अगर डेटा को ट्रांसफर करना है बिटवीन द रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, और अगर हम बात करें यहां पे रजिस्टर टू मेमोरी, और इवन अगर हम बात करें आईओ की भी, मतलब अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है और मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी डेटा को ट्रांसफर करना है, स्टिल हम क्या यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को। देन हमारे पास आता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा में कुछ चेंज करना है। चेंज करने का मतलब क्या है, लेट्स से मुझे डेटा में कुछ ऐड करना है, डेटा में कुछ माइनस करना है, डेटा में कुछ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेटा में अगर कुछ भी चेंज करना है तो हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन। और इसके अंदर बेसिकली क्या आते हैं हमारे पास, एक तो आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसके अलावा हमारे पास आती है यहां पे लॉजिकल, और उसके अलावा हमारे पास आती है यहां पे शिफ्ट एंड कन्वर्जन आल्सो। मतलब अर्थमेटिक में हमारे पास क्या आता है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लॉजिकल में लॉजिकल एंड है, और है हमारे पास एक्सोर है, कैरी। तो ये जो जितनी भी इस रिलेटेड, मतलब डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करना है, शिफ्ट की अगर हम बात करें तो शिफ्ट राइट है, लॉजिकल शिफ्ट राइट है, अर्थमेटिकल शिफ्ट राइट है, शिफ्ट लेफ्ट है, तो इस टाइप की रोटेट है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है ऐसी कन्वर्जन करनी है बाइनरी टू सम अदर फॉर्मेट। तो यहां पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन आती है जहां पे हम डेटा के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को हम किसके अंदर डालते हैं, डेटा मैनिपुलेशन। ऑल्दो ये दिखने में लग रहा है कि ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन है ऐड, लेकिन इसके अंदर भी आगे बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मेन पर्पस मेरा ये था आपको पता लग जाए कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती क्या है जनरल पर्पस कंप्यूटर में। तो यहां पे डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा में अगर कुछ भी चेंज करना है तो डेटा मैनिपुलेशन, और इसमें बेसिकली आती है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट। और देन आता है हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी अगर हम सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को देते हैं, अब कंप्यूटर उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसमें हो सकता है मेरे को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई ना कोई मेरे पास यहां पे इफ स्टेटमेंट लगी है, या मेरे पास यहां पे कोई लूप लगा है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ये सारी जो वैल्यूज हैं, इन सारी कंडीशंस को, बेसिकली इन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन हेल्प करता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली हमारे पास आती है लाइक ब्रांच है, जंप है, स्किप है, कॉल है, रिटर्न, मतलब कुछ भी इस टाइप की इंस्ट्रक्शन जिसमें हमारे पास इफ, फॉर लूप, ये जितनी भी इस टाइप की वैल्यूज को, इस टाइप की कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने में कौन हेल्प करता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ऑल्दो अगर आप ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मटेरियल में देखोगे तो आपको
इससे अलावा भी हो सकता है और कैटेगरी बनाई हो, लेकिन हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है जनरल पर्पस कंप्यूटर का। तो एक जनरल पर्पस सिंपल कंप्यूटर में ये तीन कैटेगरी है इंस्ट्रक्शंस की, इनको हम फर्दर देखेंगे अब एक एक करके डिटेल में। थैंक यू।